वीडियो देखने वाले मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। नाज़रीन मोहतरम, मुशरिकीने मक्का से मुसलमानों के साथ सुलह का मुहैदा, जिसको सुलह हुदैबिया भी कहा जाता है, करके जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपने दीन इस्लाम की दावत के लिए पूरी दुनिया के बड़े बादशाहों और सल्तनतों की तरफ अपने खतूत के हमराह कासिद भेजे, जिसमें उनको ये बताया गया कि वो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और उनको दीन इस्लाम में दाखिल होने की दावत दी जाती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन खतूत को लिखने का इरादा फरमाया तो असाबा ने मशवरा दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोमन और पर्शियन एम्पायर्स के बादशाह या दीगर बादशाह उसी सूरत में ही आपके खत को पढ़ेंगे जब उस खत पर कोई मोहर सब्त होगी। तो इस मकसद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर एक चांदी की अंगूठी बनवाई, जिस पर खास तौर पर मोहम्मद रसूलल्लाह कंदा करवाया गया, यानी मोहम्मद अल्लाह के रसूल। और ये अंगूठी कुछ इस तरह दिखाई देती थी, और फिर ये मोहर नबूवत सब्त करके हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दावतनामे रोमन और पर्शियन एम्पायर्स के साथ साथ दीगर बादशाहों की तरफ अपने असहाब के साथ रवाना किए। ये मोहर नबूवत की अंगूठी इंतहाई बरकत वाली थी, जिसका आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इतना एहतराम करते थे कि जब बैतुल खुला जाते तो उस अंगूठी को अपने हाथ से उतार दिया करते थे। इससे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी तैयार करवाई, और जब सोने को मर्द के लिए हराम करार दे दिया गया तो आपने उस सोने की अंगूठी को फिर कभी नहीं पहना, जिसकी जगह आपने चांदी की एक अंगूठी बनवाई, जिसको आपने कुछ अरसा पहना और फिर उतार दिया, जिसकी हकीकत सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। सुलह हुदैबिया 10 साला सुलह का मुहैदा था, जिसमें दर्ज था कि कुफार और मुसलमान आपस में 10 साल तक कोई जंग नहीं करेंगे, लेकिन मुशरकीन मक्का ने 18 माह के बाद ही मुसलमानों के साथी कबीले पर हमला करके ये मुआहदा तोड़ दिया। और जिस 18 माह में अमन का दौर रहा, उस दौर में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खतूत को पूरी दुनिया में इस्लाम की दावत फैलाने के लिए भेजा, और जिस पर मुशरकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक भी उड़ाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला हमारे साथ अभी उलझा हुआ है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोमन और पर्शियन एम्पायर्स को भी झुकने और ईमान लाने की बातें कर रहा है। असहाब के मशवरा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यला बिन उमैया को अंगूठी बनाने का हुक्म दिया, जिन्होंने आपके हुक्म के मुताबिक मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज इस अंगूठी पर कंदा कर दिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ये अंगूठी हजरत अबू बकर, फिर हजरत उमर फारूक और फिर हजरत उस्मान गनी तक पहुँची कि जब वो कोई भी हुक्म या कोई भी खत रवाना करते थे तो इसके नीचे मोहर नबूवत लगाया करते थे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास ये अंगूठी उनकी खिलाफत के 6 साल बाद तक मौजूद रही, और फिर किसी हादसे के नतीजे में ऐसे गायब हुई कि आज तक उसका सुराग ना मिल सका। और ये अंगूठी मुसलमानों के लिए बाईस बरकत थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी ये अंगूठी नबूवत की ताकत का सरचश्मा रही, और जैसे ही अंगूठी गायब हुई तो मुसलमानों के अंदर इत्तेफाक भी जाता रहा और मुसलमानों में फितने शुरू हुए जो आज तक चलते आ रहे हैं। दोस्तों, ये मोहर नबूवत की अंगूठी के गुम होने का हादसा कुछ यूं है कि एक दिन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत मुकाब रज़ियल्लाहु अन्हु एक कुएं के पास तशरीफ रखे हुए थे, जिस कुएं को बिर्रे अरीस या बिर्रे खत्म भी कहा जाता है, जिसकी लोकेशन मस्जिद कुबा के पास है, और इन दोनों असहाब में से कोई एक अंगूठी को देखने के बाद दूसरे को पकड़ा रहा था कि अंगूठी हाथ से निकलकर कुएं में जा गिरी, जिसके बाद इस अंगूठी को बहुत तलाश किया गया और सहाबा किराम ने 3 दिन लगाकर इस कुएं का सारा पानी खुश्क कर दिया, लेकिन ये अंगूठी ना मिल सकी। इस हादसे के बाइस हजरत उस्मान गनी बहुत परेशान हुए, और फिर आपने ऐसी ही चांदी की अंगूठी बनवाई और उसको पहन लिया, लेकिन असल मोहर नबूवत की अंगूठी के गुम हो जाने के बाद मुस्लिम उम्मा को फितनों ने घेर लिया और खानदानी दुश्मनियों को हवा देकर उम्मत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया।
और इसी फितने में हजरत उस्मान गनी की भी शहादत हुई। जब आपको शहीद किया गया तो ये नकल अंगूठी भी आपके हाथ में थी, लेकिन इस नकल अंगूठी का भी कोई सुराग नहीं मिलता कि वो कहाँ गई। दोस्तों, ये अंगूठी कहाँ है इसके बारे में तो किसी को कुछ मालूम नहीं, और ना ही इसके बारे में कोई तारीख हमें कुछ बताती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस अंगूठी के गायब होने में अल्लाह सुबहाना व ताला की कोई ना कोई मसलहत शामिल ज़रूर है। और शायद जब हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक और हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा की औलाद में से होंगे, जब दुनिया में ज़हूर करेंगे तो शायद अल्लाह अपना मोजज़ा दिखाए और ताबूत सकीना के साथ साथ ये अंगूठी भी जाहिर हो जाए, और बेशक हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की औलाद में से होने की वजह से हजरत इमाम महदी इस अंगूठी के असल वारिस होंगे। लेकिन ये तो महज एक सोच है जिसकी हकीकत सिर्फ और सिर्फ रब्बे जुलजलाल ही जानता है। नाज़रीन ग्रामी, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस मोहर नबूवत की अंगूठी को तैयार करवा कर अपने मुबारक हाथों में पहना तो आपने तमाम सहाबा कराम को ऐसी ही कोई दूसरी अंगूठी बनवाने और पहनने से मना फरमा दिया था, क्योंकि ये अंगूठी आपकी निस्बत की वजह से इंतहाई बरकत वाली थी और आपकी नबूवत की मोहर भी थी। वरना अगर आपकी इजाज़त होती तो सहाबा कराम आपकी मोहब्बत में हर शख्स ऐसी ही अंगूठी बनवा कर अपने हाथों में पहन लेते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना फरमाया, जिसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत आला शामिल थी। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।